तो दोस्तों, राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी स्टारर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर आ गया है जो 11 अक्टूबर को आने वाली है। तो कैसा है ट्रेलर, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ट्रेलर से पहले इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था जिसमें हमें बता दिया था कि ये मूवी 1997 में टेक प्लेस करेगी, जिस समय डीवीडीज और दूरदर्शन का जमाना था। और इसी जमाने में विक्की और विद्या की शादी हुई। शादी के बाद दोनों ने अपनी सौगात का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे ये उम्र भर तक देखना चाहते थे, लेकिन अब वो डीवीडी गायब हो गई है। ये दोनों बहुत परेशान है और उस डीवीडी को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, मूवी काफ़ी यूनिक और क्रिएटिव लग रही है। अभी के ज़माने में ऐसा होता तो अब तक इन दोनों का MMS बन चुका होता। इस मूवी के डायरेक्टर है राज शांदिल्या, जिन्होंने ड्रीम गर्ल 1 और 2 बनाई थी। यानी ये मूवी भी कॉमेडी से भरी होने वाली है। ट्रेलर में भी हमें कुछ कमाल के डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं, जिनको सुन के मैं खुद 2 से 3 बार तो हंसा। ट्रेलर में हमें कुछ मूवीज के रेफरेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे ये पनवेल वाला रेफरेंस, ये कबाब बिरयानी वाला और ये कब्रिस्तान में स्त्री वाला रेफरेंस। यानी मूवी तो कमाल की होने वाली है। ऊपर से राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी इन दोनों का तो ये साल ही है, लेकिन ये मूवी 11 अक्टूबर को आने वाली है, जिस दिन जिगरा, वेट्टयन, कंगवा और बैडेस रवि कुमार भी रिलीज होगी। तो अगर आपने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर देखा है तो आपको ये कैसा लगा, और आप 11 अक्टूबर को कौन सी मूवी पहले देखने जाओगे, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा पंथी। पैसों की कमी नहीं है मुझे, इसी से भी उधार ले लूंगा।